हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 5 का हिंदी से चैप्टर 4, जिसका शीर्षक है नन्ना फनकार। बच्चों, इस पाठ की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। दरअसल का नन्ना केशव यानी 10 इयर्स का नन्ना सा बच्चा अपने पिता की तरह पत्थर पर छेनी हथौड़े यानी पत्थर पर चोट देकर बनाने वाला औजार से नक्काशी का काम करता था। दरअसल केशव अभी काम सीख रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वो सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था, पर उसे घंटियां बनाना ज़्यादा मुश्किल लगता। वो होनहार बालक था। उसे पूरी तरह विश्वास था कि एक दिन वो अपने पिता की तरह बारीक जालियां महीन नफीसे बेल बूटे, कमल के फूल लहराते हुए शाम और इठलाकर चलते हुए घोड़े पत्थर पर उकेर पाने में अवश्य सफल होगा। बच्चों, केशव के जन्म के पहले ही उसके माता पिता गुजरात से आगरा में आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस समय आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। केशव का जन्म आगरे में ही हुआ था, लेकिन अब वो सीकरी में रहता था। बच्चों, एक दिन जब वो अपने काम में लगा था, एक आदमी जो वास्तव में बादशाह अकबर थे उसके पास आकर खड़े हो गए और उसके द्वारा बनाई हुई घंटियों की बड़ाई करने लगे। वो सफ़ेद अंगरखा और पैजामा पहने हुए थे। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। केशव उसे पहचाना नहीं, लेकिन इतना वो जरूर समझ गया कि वो कोई बड़ा आदमी है। अभी केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी एक पहरेदार ने आकर उसे सावधान किया कि जो आदमी उसके सामने खड़ा है वो बादशाह अकबर हैं और वो उनसे काफ़ी अदब से खड़े होकर बात करे। बच्चों, केशव हक्का बक्का रह गया। बंद हवाशी में छेनी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया। उसका दिल धक धक कर रहा था, लेकिन बादशाह की मुस्कुराहट देखकर वो बहुत जल्दी भयमुक्त हो गया। बच्चों, अकबर ने केशव के सामने नक्काशी सीखने की इच्छा प्रकट की। केशव तुरंत छेनी हथौड़े लाया और बादशाह को उनसे काम करना सिखाने लगा। बादशाह उसके पास जमीन पर बैठ गए। केशव ने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और उसे बादशाह को ध्यान से तराशने के लिए कहा। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव बहुत गहरा हो गया। केशव ने तुरंत गलती पकड़ी और बादशाह को हिदायत दी कि वे हथौड़े को आहिस्ता से मारें, यानी धीरे से मारें। इस समय वो बिल्कुल भूल गया था कि उसकी बगल में बैठा व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है, एक अनाड़ी से बेशक। पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। लकीरें उकेरते समय अगर बादशाह से थोड़ी गलती भी हो जाती तो उसे गुस्सा आ जाता था। बच्चों, केशव के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीरे से कहा, केशव, देखना एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। नन्ना केशव कारखाने वाली बात समझ न सका। फिर अकबर ने उसे बताया कि महल तैयार हो जाने के बाद जब लोग आगरा में आकर रहने लगेंगे तब वे एक कारखाना बनवाएंगे। इस कारखाने में सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। यह सुनकर लड़की का चेहरा चमक उठा। उसे भरोसा हो गया कि जब कारखाना खुलेगा तो उसे काम अवश्य मिलेगा। रात हो गई। केशव धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुसा और पूछ बैठा,
बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वो सीकरी में ये सर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने उसे बताया कि जब बादशाह की कोई संतान नहीं थी तब वे सीकरी में ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास आए थे। उनके आशीर्वाद से बादशाह को तीन तीन संतानें हुई, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। फिर उन्होंने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने एक बेटे का नाम भी सलीम रख दिया। बच्चों, अब हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। फुनकार मतलब कलाकार, बुदबुदाई मतलब धीरे से बोलना, उकेरना मतलब उतारना, संगत राश मतलब साथ में काम करने वाले, पुश्तैनी मतलब खानदानी, आहट मतलब आवाज, तलखी से मतलब तपाक से, खुलते हुए देखते हुए, सुरत मतलब साहस, बदहवासी मतलब घबराहट, दखल अंदाजी मतलब बीच में आ पड़ना या बोल पड़ना, खींचकर मतलब खिन होकर, अनमने भाव से, अनिच्छा से, तयोरियां चढ़ जाती यानी गुस्सा आसाना, कौतूहल मतलब जिज्ञासा, नेक मतलब अच्छा, लाडला मतलब प्यारा। बच्चों, ये आपको चैप्टर कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नए नए अपडेट सबसे पहले मिलें।